यह यमुना नदी। यहाँ तो काफी सारी लड़कियां भी ब्लॉग कर रही हैं शूट। ओहो भाई साहब, वैसे यहाँ पे लड़ाई हो गई है। भाई साहब देखो कितनी छोटी सी बच्ची है, बैलेंस कर रहा है उसने। तो फाइनली गाइस हमें मिल गया रूम। वैसे वृंदावन में कौन कौन से मंदिर हैं? मंदिर तो बहुत है यहाँ पे। हाँ मंदिर तो तुम 10 दिन देखोगे तो 10 दिन भी नहीं देख पाओगे। तो गाइस ओ शिट, उनके चश्मा ले गए। गाइस यहाँ पे मंकियों से सावधान रहना होता है क्योंकि वो उनका पता नहीं चलता कब वो चश्मा खोल के ले जाते हैं, फोन भी ले जाते हैं। 1 2 3 गो। हे गाइस, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो ये जो पूजा एक्सप्रेस जा रही है और मैं पहुंच गया हूं दिल्ली में, ये देखो दिल्ली कैंट, और यहां से हम प्लेटफॉर्म नंबर 3 से मथुरा की ट्रेन पकड़ेंगे जो कि 15 मिनट में आने वाली है। और सुबह के 4:45 हो रहे हैं ना, सुबह के 4:45 हो रहे हैं फिलहाल, नहीं 5 बज रहे हैं और 5:15 बज आएगी वो। तो ये देखो ये वो पूजा एक्सप्रेस है। बाय डेडी साहब, ओ आजा आजा आजा, इधर से जाएंगे वो उधर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, ठीक है। तो गाइस आज का व्लॉग काफी इंटरेस्टिंग रहेगा और मैं मथुरा पहुंचूंगा, वही 1 घंटे में पहुंचाऊंगा मथुरा, 1.5 घंटे में। हाँ तो ये देखो मेरे संगी साथी ललित और टिंकू, हाय करो, राधे 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 राधे, पानी भर ले, पानी पीना है, भरना है। वो देखो ट्रेन आ रही है सामने, तो हम अभी जाएंगे जनरल में। आए हम यहाँ तक स्लीपर में थे, आपने देखा था, तो यहाँ से दिन की शुरुआत करेंगे। आज का व्लॉग काफी अच्छा व्लॉग रहेगा। ये देखो रुकेगी, यही है ना, ये नहीं है? अच्छा अच्छा, हमने प्लेट नंबर 3 पे आनी है हमारी ट्रेन। तो आज के दिन की शुरुआत हो रही है यहाँ से और मैं पहुँचूंगा कोई 1.5 घंटे के बाद मथुरा। तो मथुरा वृंदावन जो भी होगा, मैं अभी मुझे फिलहाल मुझे पता नहीं है कंफर्म कि कौन कौन सी जगह कहाँ कहाँ पर है, तो मैं कोशिश करूँगा थोड़ी थोड़ी जगह ना ज़्यादा ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि आप कभी आओ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो रुकने की, रहने की, घूमने की। तो ये देखो हमारी ट्रेन आएगी यहाँ पे, तो बस उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। सो फाइनली गाइस हम पहुँच गए न्यू दिल्ली, ये देखो, और अभी हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। चलो भाई साहब, ये देखो गाइस हमें ट्रेन मिल गई है, बट इसमें सीट ही नहीं है यार, और हम जनरल पे जाएंगे अब। क्या मुंह क्यों शुमार है? तो गाइस देखो कैसे लग रहे हैं दोनों। तो गाइस ये हमारे छोटे छोटे गैंगस्टर आए हैं इधर, ये काशी जा रहे हैं, काशी इस बस मथुरा पहुंचने वाले हैं, और मेरे साथ कुछ ये दोस्त है मेरे। दिया बिस्किट था, बिस्किट दिए मैंने इनको, हाय कर दें इनसे, हाय करवा दें, हाय ऐसे हाय करो। ये बंदा नमस्ते, ये संजय गैंगस्टर, ये गैंगस्टर है, ये गोंडी की तरह है, गोंडी ये नाइस, ये बंदा समझदार है, साथ में थोड़ा इनोसेंट बॉय। चलो 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 चलो, जय श्री कृष्णा। तो गाइस हम मथुरा में पहुंच गए हैं, पहुंच गए हैं। ओहो देखो हालत, देखो पसीने से कितनी बुरी हालत हो गई इनकी। जनरल में नहीं बैठे, गलती से जनरल में बैठ गए जल्दी जल्दी में, तो आज के बाद नहीं बैठे यार, बुरी हालत हुई कसम से। भीड़ देखो, देखो जनरल में भीड़ देखो, वो तो शुक्र है हम बारी में थे, हम यार विंडो साइड से बच गए। और टिंकू कहाँ गया? टिंकू गुम हो गया, टिंकू गुम हो गया, टिंकू गुम हो गया गाइस, गाइस टिंकू गुम हो गया, टिंकू गुम हो गया गाइस, टिंकू गुम हो गया, टिंकू गाइस टिंकू गुम हो गया, अनाउंसिंग करवाते हैं ठीक है।
ये देखो गाइस ये जा रहा है, इसको पता नहीं चलता ये कहाँ जा रहा है, तू कहाँ जा रहा है, उधर कहाँ देख रहा है, गुम हो गया तू, कब से ढूंढ रहे हैं यार। ओहो लड़ाई हो गई गाइस। ओहो ये देखो मथुरा में मैंने पहली दुकान देखी, ये देखो ये तो रेलवे स्टेशन में ही है। राधे राधे, तो चलो चलते हैं भाई, अब हम जाएंगे वृंदावन, तो पहले इधर घूमेंगे। गाइस मैं आपको ना बहुत सारे व्लॉगर्स भी दिखाऊंगा, तो ये देखो यहाँ तो काफी सारी लड़कियां भी व्लॉग कर रही हैं शूट। मैंने लड़कियों को व्लॉग शूट करते हो पहली बार देखो, तो अभी ना हमें पता नहीं है कि कहाँ रुकना है क्या करना है, तो ऑटो वाले को पूछेंगे हम और उससे मतलब नॉलेज वगैरह लेंगे, तो फिर चलते हैं ऑटो पकड़ते हैं और उसको पूछते हैं कि क्या क्या सीन है, कहाँ रुकना चाहिए हमें, ठीक है, और किसको पूछना है। तो गाइस हमने सोचा था कि मथुरा रुकेंगे, बट उधर एक हमें वो बंदा मिला, उन्होंने बताया कि यहाँ आपको लूट लेंगे, तो आप वृंदावन में जाओ, वहाँ आपको बारे में मतलब रूम भी मिल जाएगा, तो और वहाँ घूम भी लोगे, पहले रूम में खाओ पियो रेस्ट करो, ऐसे थोड़ा फ्रेश वगैरह हो जाओ, उसके बाद फिर घूमो। तो अभी हम जा रहे हैं वृंदावन, तो ये देखो ऑटो पे जा रहे हैं रिक्शा में। तो मैं वृंदावन पहुँच के आपको बताता हूँ होटल का प्राइस वगैरह जो जो होता है, और जहाँ जहाँ घूमने जाऊँगा वो भी बताऊँगा। तो ये देखो फिलहाल यहाँ का कुछ ऐसा रास्ता है, ऐसा ये देखो, ओहो भाई साहब एक्सीडेंट हो गया भाई। तो भाई यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है यार, बहुत संभल के चलना पड़ता है। दोपहर के 11:30 हो रहे हैं और हम जा रहे हैं प्रेम मंदिर, मतलब अभी तो प्रेम मंदिर बंद होगा, प्रेम मंदिर के पास एक होटल है वहाँ जा रहे हैं, वहाँ हमें पता नहीं था, मैंने डैडी को पूछा, फिर उन्होंने मतलब बताया, लोकेशन बताई, अभी क्या पता कहाँ पर है, तो चल रहे हैं, अभी हमने ब्रेकफास्ट भी अभी किया, तो बस जा रहे हैं, रूम मिलते हुए अच्छे से तो बताता हूँ मैं। अरे इधर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा, बड़ी ज़्यादा धूप है। राधे राधे। ओ सो गाइस देखो हनुमान जी की और गणेश भगवान जी की इतनी बड़ी बड़ी मूर्ति है, ये चेक करो, और वो बालाजी, ये बालाजी आश्रम है इधर, ये देखो। तो गाइस यहाँ पे लड़ाई हो गई है, भाई साहब देखो कितनी छोटी सी बच्ची है, बैलेंस कर रहा है उसने। ओ नाइस यार, वाओ आराम से, सही है यार। तो गाइस मैं जा रहा हूँ, अभी हम ढूंढ रहे हैं रूम, हमें अभी तक रूम नहीं मिला यार, दोपहर का टाइम हो गया, सारे रूम फुल है, होटल सारे के सारे फुल है, अभी देखते हैं उधर। तो गाइस इनको देखो, वाह यार ये ब्लैलर मुर्गे हैं इनसे चला नहीं जाता है, कसम से बहुत ही ज़्यादा आलसी है, बहुत ज़्यादा आलसी है, धूप भी बहुत है यार वैसे अभी। ओहो तो गाइस यहाँ केले बांट रहे हैं,
तो गाइस यार यहाँ रूम नहीं मिल रहे हैं ना, तो अंकल बता रहे हैं यहाँ जाओ वहाँ जाओ, हमें रूम नहीं मिल रहा था तो हमारी हेल्प कर रहे हैं भैया, बहुत हेल्प की गए ने। सोने थोड़ी आए। हाँ वो तो है, घूमने आए। 10 बजे बंद हो जाएगा गेट, फिर खोलेंगे ना आपको बाहर जाना। हाँ तो फिर एक घर है ना, फिर तो सिस्टम बनेगा। तो चलो फिर जल्दी जल्दी चलते हैं, फिर यमुना नदी नहाते हैं। तो गाइस हमें फाइनली रूम मिल गया, तो हम जा रहे हैं अभी रूम देखने। मिला तो हमें नॉन एसी ही है, तो देखते हैं उसी से जुगाड़। हमने बस सामान रखना है अपना और नहाना धोना, नहाना है। तो देखते हैं यहाँ नहाते हैं या यमुना नदी। अगर आज यमुना नदी नहीं नहाए तो कल नहाएंगे, मैं दिखाऊंगा। तो फिलहाल तो चलते हैं रूम में। बताओ इधर अगर वृंदावन में बंदा रहे तो सबसे पहले कहाँ घूमना चाहिए, मतलब कौन से मंदिर में जाना चाहिए? बांके बिहारी मेन मंदिर है। अच्छा मेन मंदिर है बांके बिहारी। तो अभी हम बांके बिहारी जाना चाहिए हमें, है ना? तो कल कहाँ जाना है? सुबह कितने बजे खुलते हैं? सुबह 8 बजे खुल जाते। कितने बजे तक? 11 बजे तक? 12 बजे तक। सुबह सुबह आरती में? हाँ 8 बजे आरती। कहाँ? बांके बिहारी। अच्छा बांके बिहारी सुबह की 4 बजे होती मंगल आरती। अच्छा अच्छा। और आज पहले बांके बिहारी जाएंगे और उसके बाद शाम को जाएंगे प्रेम मंदिर। सुबह 11 बजे तक होगा, मतलब सुबह 11:30 बजे या 11 बजे बंद हो जाते हैं? कितने? 11 बजे? 12 बजे बंद होते सब मंदिर। अच्छा 12 बजे, फिर 4:30 बजे खुलते हैं मंदिर। ओ अच्छा, तो ठीक है। सो फाइनली गाइस हमें मिल गया रूम, और हम मिल गया रूम। ये देखो हवेली जो दिख रही है, ये हमें मतलब आज ऐसे काम चला हुआ रूम है, बट कल मिलेगा हमें रूम, कल एसी वाला, फुल एसी। हाँ कल एसी वाला मिलेगा, आज तो बड़ी मुश्किल से मिला जो भी मिला। तो अभी हम जा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर, पहले हम नहाएंगे उधर यमुना नदी में नहाएंगे, और उसके बाद दर्शन करेंगे बांके बिहारी के दर्शन करेंगे। जब तक नहा लेंगे ना तब तक मंदिर खुल भी जाएंगे। सुबह से नहाया नहीं है, देखो राधे राधे का टैग लेके घूम रहा है ये उधर। शर्म जबरदस्ती लगा दिया। देखो मेरे को डिंकू लगाया। हाँ वो पैसे लेते हैं ना, फिर इन्होंने मुंह छुपा दिया अपना। मुझे पता ही नहीं चला, मैं रोड क्रॉस कर रहा था, एक लड़की आई, उसने जबरदस्ती लगा दिया, और जब इनको पता लगा इन्होंने अपने मुंह छुपा दिया। तो बस चलते हैं ऑटो पे, तो पहुंच के दिखाता हूँ मैं आपको और रास्ते की क्लिप दिखाता हूँ। तो हमने ऑटो चेंज कर लिया है, दो दो हो जाएगी सीट पे, दो दो जने हो जाएगी, नौकरी आराम से बैठ जाओ। ठीक है, कंफर्टेबल हो? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ठीक है, वेरी गुड। हाँ ठीक है, ऐसे क्या बैठे एक सीट। चलो फिर राधे राधे। हम तो तुम्हारी से क्या कहे कह रहे हो, हाँ मुझे बताना अंकल जी ये कौन सी जगह है? ये प्रेम मंदिर बोल दे रहा, प्रेम मंदिर है, प्रेम मंदिर। हाँ जो पीछे था प्रेम मंदिर, आगे कौन सा मंदिर है? अच्छा इस्कॉन मंदिर। अच्छा मंदिर जाएंगे ठीक है, आज ही जाएंगे, पहले यमुना बोलना हमें घुमा देना सभी। हाँ ऐसे आप घुमाते हो, मतलब नहीं घुमाते हैं लेकिन आज नहीं, आज बैरिकेड लगे हुए हैं, आज नहीं कल कल तो घुमा देंगे, हमसे क्या बहुत घुमा देंगे, ले लेना मेरी गाड़ी जो टाइम टाइम मिले वही घुमा देंगे, कोई दिक्कत। अच्छा ऐसे घुमाने का कितने चार्जेस लेते हो, कितने पैसे लेते हो? कितना सवारी है तुम्हारा? तीन मंदिर, कम से कम 500-600 से कम की कोई नहीं लेगा। फिर मतलब टाइम दोपहर तक 12-11 बजे तक, सुबह से लेके 12:30 बजे तक एक टाइम पे खाते। अच्छा घूम सकते हो जहाँ हमारी मर्जी होगी, 12:30 टाइम उन्होंने दे दिया, पैसे भी बता दिए, 12:30-11 बजे तक घुमाते। अच्छा अच्छा तब ठीक है, उसके बाद मंदिर बंद हो जाते हैं, शाम को खुलते हैं, घूमना हो तो शाम को, और फिर उसी के हिसाब से नहीं तो कोई बात नहीं अपना। जो यमुना नदी है वो बांके बिहारी मंदिर के, हाँ बांके बिहारी से आगे है वो, आगे है वो। हाँ कितनी दूर होगी? 1 किलोमीटर का समथिंग। हाँ अच्छा, एक हाँ तो वही जाना है। वैसे बांके बिहारी के पास में भी है। हाँ अगर नहाना हो तो कहाँ? हाँ 1 किलोमीटर, वही तो बता रहा हूँ। अच्छा आगे है नहाना, बांके बिहारी से निकलोगे जमुना जी पहुँच जाओगे। अच्छा अच्छा, वो चील घाट है, चील घाट में जीवन नहाते हैं उधर लोग नहाते हैं। अच्छा अच्छा तब ठीक है, तो हम भी वहीं जा रहे हैं, फिर मंदिर जाएंगे, इतनी देर में मंदिर भी खुल जाएगा। राधे राधे।
बहुत ज्यादा रश है आज, बहुत ज्यादा। एक काशी को परिक्रमा करती है वृंदावन की, आज यहाँ पर कमरे में नहीं मिलते। एक काशी को महत्व है परिक्रमा का वृंदावन। अच्छा, शुभ दिन है आज, है ना? बहुत शुभ दिन है। हम पहली बार आए, आज ही आए। कुछ शनिवार इतवार बढ़ जाती है तो कुछ शनिवार इतवार थोड़ा छुट्टी पड़ जाती है। शनिवार तो शनिवार पड़ गया। वैसे वृंदावन में कौन कौन से मंदिर हैं? मंदिर तो बहुत है यहाँ। हाँ, मंदिर तो तुम 10 दिन देखोगे तो 10 दिन भी नहीं देख पाओगे। हाँ, हाँ। मतलब जो ऐसे वैसे मेन मेन मंदिर मेन मेन हमारा रंगनाथ मंदिर सोने के खंभे वाला, और गोविंद देव जी मंदिर, कात्यायनी माता का मंदिर, भूपेश्वर मंदिर, निधिवन निधिवन और तुम्हारे बांके बिहारी राधा वल्लभ जी, इस्कॉन मंदिर, प्रेम मंदिर, काली जय, मदन मोहन जी, बगल में निधिवन के पास में राधा दामोदर है, राधा श्याम सुंदर है, मीराबाई मंदिर है, राधा रमन जी है, जमुना जी है वहीं पे। मतलब ये पास पास में ही है सब? पास पास में ही है। इधर कांच का मंदिर है और पागल बाबा मंदिर है। और इन सब मंदिरों में जाना हो तो मतलब कितना टाइम? टाइम तो लगता है, पास पास में ही है ना? है पास पास में, लेकिन टाइम लगता है ना। एक एक मंदिर ऐसा मंदिर तुम ढंग से देखो तो एक घंटा लग जाएगा एक ही मंदिर में। हाँ, मंदिर खुलेगा बांके बिहार की 5:30 बजे। 5:30 बजे? 5:30 और सब मंदिर 4 बजे। अच्छा, जब ना करा रहे तो कभी भी चले जाओ। वो तो कभी भी चले जाओ। ललित ललित वो तो 2400 हाँ पैदल है। कितना पैदल है क्या बांके बिहार? हाँ बांके बिहार का 2-3 मिनट का रास्ता। अच्छा अच्छा ठीक है। तुम्हे आगे ऑटो नहीं जाएगा, आगे रास्ता बहुत कंजेस्टेड है, मतलब ट्रैफिक बहुत है। तो गाइस आप कहीं भी जाओगे, मतलब वृंदावन से किसी भी मंदिर में जाओगे तो आपका किराया लगेगा 20 रुपये पर सवारी। तो गाइस ओह शिट, उनके चश्मा ले गए। तो गाइस इनसे सावधान रहना होता है। ओ ले गए। अरे यार गाइस, यहाँ पे मंकियों से सावधान रहना होता है क्योंकि वो उनका पता नहीं चलता कब वो चश्मा खोल के ले जाते हैं, फोन भी ले जाते हैं। तो हमारा ऑटो इतने तक ही था। ट्रैक्टर देखो यार, उधर से मिलेगा तीसरा ऑटो। तीसरा ऑटो भैया, किराया कितना है? किराया कितना? 20 रुपये। चलो भाई साहब, ललित के लिए कुछ भी करेंगे यार। ललित के लिए नहीं, ललित को पसीना देख के ऐसे बढ़ रहा है। देख लो भाई, वाह यार चश्मे में क्या यार लग रहा है ना भाई, लग रहा है पूरा यार। नहा के फिर आते हैं तो मुझे भी इन्होंने लगाया था, ऐसे लगाया था। हम नहाने जा रहे हैं, नहा के लगाएंगे। थैंक यू। सोना पीने नहाए लगा दिया। मुझे क्या पता था? गंदा बच्चा भी शर्म। मुझे पता ही नहीं था, वो अचानक आई मेरे मुंह में ऐसे 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 कर दिया उसने अचानक से ही ऐसे ऐसे यार पता नहीं लगा। अचानक ऐसे 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 कर दिया। नहीं यार लड़की थी वो, मैं क्या करता तभी तभी मैं मतलब वृंदावन पहुंचे मैं उतरा और उतरते ही सड़क पार कर रहा था और ऐसे ऐसे पता नहीं चला। इसके अलावा कुछ भी हो जाता है रास्ते में चलते चलते है ना। तो भाई लड़की थी वो वृंदावन है। मैं उधर क्या लिया उसने, मंकी ने क्या लिया उधर से? चश्मा ले गया यार वो, उसका ले गया वो भाई था कोई ललित की तरह था। ललित की तरह था भाई। अरे हम लस्सी पी रहे हैं। अभी हम आए लस्सी पीने और टिंकू भैया ने ऑर्डर दिया है आलू टिक्की। आलू टिक्की यहाँ का फेमस है, यहाँ है क्या वो?
क्या है वो? दिखी नहीं वो? दिखा दो ना उधर क्या है। जब आएगी तब दिखा देंगे, जब बनेगी आएगी बन के तब दिखा देगी क्या लाभ। तो गाइस अब हम है पांडे बिहारी मंदिर के बाहर। यहाँ से एक रास्ता मतलब मंदिर की मंदिर को जाता है, एक रास्ता जाता है यमुना नदी को, मतलब यमुना घाट में जहाँ नहाते हैं। गाइस इग्नोर करना, पहले हम यमुना घाट में जाएंगे नहाने के लिए। बोलो बांके बिखारी लाल की जय। टिक्कू बाल को इग्नोर मत करना, सब ध्यान से देना। टिक्कू पूरी श्रद्धा से आया, टिक्कू दिल से कह रहा है जो भी कह रहा है। ये इसके फेस पे स्माइल भी नहीं है। यहाँ की लस्सी बहुत फेमस है, बट मुझे पता नहीं है कि कौन सी दुकान है वो। तो मैंने बोल दिया, ये बोलते कि कोई ना चाय तेरा भी हो। अभी आपको चेक करनी है कैसी बनी है आलू टिक्की। ये गाइस लस्सी को इतनी भूख लगी है ना, देखो कैसे बढ़ गया। मुझे भी बहुत लगी है। ललित को ललित चेक करो कैसी बनी है। नहीं 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 नहीं, ओ भाई साहब लस्सी आ गई। ये देखो बांके बिहारी की स्पेशल नाइस। पता नहीं कैसे कैसे बनाते हैं गाइस ये बांके बिहारी स्पेशल लस्सी, क्योंकि उनके मंदिर के बाहर ही है। गाइस हमने लस्सी भी इतनी खास नहीं थी लस्सी, और आलू टिक्की मुझे अच्छी नहीं लगी। तो ये देखो ये सारे लोग, तो ये सारे लोग नहा के आ रहे हैं। तो यहाँ तो बोट भी हैं यार, ये तो डैम डैम टाइप है ना, बोट्स भी हैं। करेंगे बोटिंग भी करेंगे गाइस, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम है। वो जो बांके बिहारी मंदिर है वो 5:30 बजे खुलेगा, और अभी 4 भी नहीं बजे है ना। कोई बात नहीं, देखते हैं। तो फाइनली गाइस ये देखो यमुना किनारा, ये देखो गाइस, और यहाँ पे कितनी सारी बोट्स हैं, ये मोटर वाली बोट्स हैं। फिर इस बंदे को देखो, ये है जो, ये देखना ये हाउस द जोश, ये खड़ा हो गया। सामान यही सिस्टम आता है यार। तो भी मैं भी नहाऊंगा यहाँ पे, बोटिंग, हाँ बोटिंग भी करेंगे इसके बाद। करनी नहीं थी, टिंकू कहता नहीं, ललित कहता कि हाँ करते हैं एक बार, सभी करते हैं। तो हम बोटिंग भी करेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको एक बार नहाने के बाद। चले चलो भाई इस रहे। तो वैसे अब मैं जा रहा हूँ फोन लेके, तो ओहो ब्लर, चलते हैं। इसमें मिट्टी इसमें पत्थर तो बिल्कुल भी नहीं है। चलो भाई साहब, हर हर गंगे ऐसे रहन दे दो उसे को। ये करता तो वैसे ये देखो यमुना नदी है। फोन को डुबकी लगवा दी, वीडियो बनाएंगे साथ में, साथ में तीनों डुबकी लगाएंगे, ठीक है। फोन को भी डुबकी लगवाएंगे, हाथ पकड़ ले मेरा की ओर से, ठीक है। मैं बोलूंगा 1 2 3 हर हर यमुना, हर हर गंगे पहले फिर हर हर यमुना। तो मैं 1 2 3 बोलूंगा, ठीक है। 1 2 3 को हर हर यमुना, दोनों तरफ जहाँ जहाँ जगह दिखे वहाँ वहाँ लगा दो। और भी लगाते हैं नहीं, इसके पूरे चेहरे में लगानी है। नहीं पूरा चेहरा के जितना चेहरे पे जितना भगवान ने बताया उतना ही तो लगेगा। हाँ उतना ही लगे। राधे राधे।
राधे 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 राधे। तो अभी हम यहाँ पे परिक्रमा लगाएंगे, मतलब चक्कर लगाएंगे, जो कि सबको लगाना चाहिए, सब लगाते हैं। तो उसके बाद हम जाएंगे बांके बिहारी के मंदिर, बांके बिहारी जी के मंदिर जो मैंने आपको पहले बताया था। और उसके बाद शायद हम निधिवन भी जाएं, यहाँ यमुना किनार है, श्री निधिवन प्यारा है, वो जो निधिवन है ना वो उधर भी जाएंगे हम। इन आंटी को पूछते हैं कि कहाँ पर है निधिवन। आंटी जी वो बताना निधिवन कहाँ पर है, निधिवन कहाँ पर है? वो जो सामने मंदिर दिख रहा है, अच्छा वो सफेद है जो, अच्छा अच्छा तो वहाँ पर है, पास में ही है इतना दूर। ये निधिवन बहुत बढ़िया जगह देखने, तेरे मेरे बगीचा भगवान जी के, तीर कमान जैसे वहाँ रोशनी भगवान जी ने पल्ला दर्शन करे हुए। वो जो शीश नाग निकला था वो इधर था, शीश नाग उधर है, उधर है मदमोहन वो है का अच्छा वहाँ नहाते हैं? नहीं नहाते तो नहाए, माँ शेषनाग। अच्छा शेषनाग था वहाँ, तो काली देव बोलते उसे, काली देव। अच्छा अच्छा वहाँ भी जाएंगे हम। तो चलो टिंकू भैया जल्दी जल्दी पहले पहले ये परिक्रमा कर लेते हैं पूरी और उसके बाद चलते हैं, ठीक है? राधे राधे। बहुत अच्छे लग रहे हो आप। फिर मैं सोच रहा था कि मैं अपने पूरे माथे पे ये तिलक, ये जो तिलक होता है ना वो लगा दूंगा, बट आंटी अचानक से आई उस लड़की की तरह, तो उन्होंने लगा दिया, फिर मैंने उनको मना नहीं करा। तो वो कल देखेंगे, ये भी अच्छा लग रहा है बहुत, बट वो पूरा इधर से ऐसे। चलो चलो तो वैसे हम जा रहे हैं इधर इस वाली नाव पे। ठीक है ठीक है। क्या नाम है आपका? अभिषेक। अभिषेक बस ऐसे करोगे ना, भगवान का अभिषेक हो गया, स्वागत भगवान का। विश्वास देना। हाँ कहाँ से आए हो? हम जम्मू से। जम्मू से? हाँ जम्मू में इस्कॉन टेम्पल है, इस्कॉन टेम्पल वैष्णो टेम्पल। हाँ तो वहाँ जाए तो वहाँ बहुत परिक्रमा हो जाएगी। जम्मू में इस्कॉन भजन लगेंगे और ये देखो पहुंच गए हैं। ये देखो यहाँ वो निधिवन का मंदिर कह रहे थे ना, वहाँ उस तरफ पहुंच गए हम, बट अभी हम यमुना नदी में हैं। ये देखो ये निधिवन मंदिर है ना जो, बस उसी के पास है। मुझे कंफर्म नहीं है कि कौन सी जगह है, मगर मैं इसको एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, तो मैं बाद में करूँगा जब यहाँ जाऊँगा। हम पहुंच गए हैं, अब जा रहे हैं वापस। ये देखो गाइस यहां का लास्ट व्यू चेक कर लियो, लास्ट व्यू ये देखो, ये है यमुना नदी। और अब हम जा रहे हैं श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में, तो चलते हैं आपको भी ले चलते हैं। चलो भाई साहब, ये सभी कह रहे हैं मतलब आज बहुत ही शुभ दिन है और आज बहुत ज्यादा रश होगा मंदिर में, तो मैं आपको दिखाता हूँ, कोशिश करूंगा मैं आपको दिखाने की, बट क्या बता रश बहुत होगा सभी कह रहे। और ये देखो यहाँ तक भीड़ हो गई है रास्ते सड़क तक। रश तो बहुत है यार बाहर ही। की जय बिहारी की जय। भूल गया गेट।
जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। वाह यार, जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। तो गैस मैंने दर्शन कर लिए और आप भी दर्शन कर लीजिए। दर्शन कर तो खाली वीडियो बना, ये मंदिर था राधा वल्लभ जी का मंदिर था और वो वांके बिहारी मंदिर जो मैं आपको पहले दिखाया था। जय श्री, जय जय, सावन का महीना गाइस, मुझे भी इसको टच करना है। जय, देखो हमारे ललित, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब इसके बाद टिंकू के गले में डालेंगे। यार वो इस मंकी ने पर्स ले लिया था। वाह यार, खाली है, चलो जैसा भी है मिल गया। देखा यार, उन्होंने कहा कि फोन भी ले जाते हैं, हनुमान को कुछ दो ना, इतना सा कुछ हो जाते हैं। हाँ क्यों करके, वो देखो फोन ना ले जाए मेरा यार, डर हो गया यार। चल अंदर, चल अंदर यार, इधर अंदर वो ही ना, चल अंदर कुछ नहीं होता। चल अंदर, ये बड़ा अंदर है ओए। हाँ चलो चलो, आ जा जा, वाह यार, आगे मेरा
गाइस हनुमान जी ने यार क्या यार। तो गाइस मैंने फोन ना मतलब मेरे फोन को देख रहा था मंकी ऐसे, मैंने ऐसे 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 मतलब इसकी चप्पल ले गए थे और मैंने झटकाई। तो गाइस मेरे चप्पल की हालत देखो यार, ये देखो भाई मेरे चप्पल की हालत देखो। तो कल ही मैंने न्यू ली थी तो मंकी सिस्टम हो गया गाइस, कुछ नहीं किया हमको खान के लिए इसलिए उन्होंने इसकी चप्पल खा ली। तो यार बुरी हालत हो गई यार, चप्पल की तो बुरी हालत हो गई है देखा आपने। तो यार मेरा फोन भी लेने वाले थे, मैंने पॉकेट में डाल दिया टाइम पर। देखो चश्मा ले लिया, ये देखो मेरा फोन ना ले जाए, मैं अब डर गया हूँ पहले से यार, मैं डर गया। चलो फोन नहीं ले। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं निधिवन मंदिर। भैया निधिवन मंदिर का टाइम टेबल है खुलने बंद होने का? अच्छा बाकी मंदिरों की तरह वो जगह कहाँ है वो जहाँ ब्रिज की मिट्टी वगैरह होती है? निधिवन वही है ना। तो गाइस चलते हैं निधिवन में। फाइनली गाइस ये देखो निधिवन पहुँचने वाले हैं जस्ट, और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो कृष्ण भगवान मिट्टी खाते थे ना वो जगह है ये, आई थिंक सो। ये भोजनालय है निधिवन, वो देखो एरो लगा हुआ है उधर से अंदर को है रास्ता वो देख। चल 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 एग्जिट है वो है प्रवेश द्वार। नाइस वाओ यार वाओ, ये देखो जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। तो वैसे ये देखो कितना अद्भुत है, कितना अच्छा है यार। ये मुझे लगता है सारा वैसा ही है, वो जो एग्जिट वाला वो देखो वो भी ऐसा ही है। नाइस, तो ये जो कवर किया ना ये इससे बाहर का दृश्य देखो गाइस, ये मुझे पता है नहीं मुझे मतलब क्या है। टिंकू बोलता सखियां बैठी हुई हैं, गोपियां बैठी हुई पता नहीं कहाँ, अंदर मतलब उस टाइम पे बैठते थे ऐसे है ना। अंदर दिखाना मंकी ना हिंस ले यार बाहर से फोन, ये बस इतना दिखाते हैं ज्यादा नहीं दिखाना, बाकी नेक्स्ट टाइम पता है। भैया चलो 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 दे रहे हैं। श्यामा प्यारी की जय। ये कुआ है ना, नाइस। हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे कृष्ण हरे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव धन राधा 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 श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा तेरा दे। तो गाइस मजा आ गया कसम से। अरे क्या मीटिंग हुई, क्या कर रहे थे? मैंने सुना कि ये जो होती है ना ये राधा कृष्ण दो पता नहीं क्या ये टहनियाँ जो भी पता नहीं, एक राधा एक कृष्ण। तो गाइस ये गोपियाँ ये पता नहीं मुझे मतलब ऐसा सुनने में आया था कि मंकी फोन ना ले जाए। तो यार ऐसा सुनने में आया था कि रात को अभी भी राधा कृष्ण गोपियाँ पता नहीं कौन यहाँ आते हैं। तो गाइस हमने दर्शन कर लिए और मेरी चप्पल नहीं दिख रही है यार। तो गाइस मैंने यहाँ पे खोली थी। तो गाइस मैंने यहाँ पे खोली थी चप्पल, टिंकू ललित की मिल गई बट मेरी नहीं मिल रही है यार। मिली आगे नहीं है कोई डाल गया होगा यार। बस चप्पल की शामत आई थी। चले यार छोड़ो उसे भाई लो। नहीं पागल है
हैं, पता नहीं किधर है, लगा गया होगा कोई जान बुझ के, मतलब अनजान में। नहीं लगा के होगा यार, कोई कोई लगा गया है ना, कोई आ जा रिंकू, तो इसमें चप्पल ही लगा गया, अब जाऊंगा मैं नंगे पाऊँ, देखते हैं। तो मुझे वहां से एक सामान लेना कुछ यार। तो वैसे मैं बड़ी देर से सोचता था लेने के लिए, ये देखो मैं ये लेने ना, ये मैं सारे प्रकार से लेने, क्या करते हैं इसका टीका लगाते हैं, मुझे तिलक पसंद है लगाना, बड़े बड़े जैसे आपने लगाए हैं ना वैसे, ये मेरे पास नहीं थे। मैं लूँगा, देखता हूँ जो भी लूँगा वैसे मैं बताता हूँ आपको। तो वैसे रात के बज रहे हैं 8 और अभी हम जा रहे हैं प्रेम मंदिर। तो वैसे हम जा रहे थे प्रेम मंदिर, बट यहाँ का रास्ता बंद हो गया अंदर जाने का, तो कल सुबह जाएंगे अब। तो ये देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है भाई साहब। राधे 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 राधे, वो छूट गए कहीं पे, इधर ही इधर ही, इधर राधे राधे राधे। ओए ओए राधे राधे। तो इस वहां पे देखो यार कितने लोग हैं, चारों तरफ इतनी ज्यादा भीड़। तो आपने फोन राधे 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 चलो राधे 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 राधे। तो भी कहाँ जाना है, अभी सीधा रूम में जाना है, अभी खाते पीते हैं कुछ, हाँ सामान भी लेना है हमने कुछ, तो आगे देखते हैं, तो चलते कुछ सामान लेना और डिनर भी करना है, उसके बाद चलते हैं रूम में। मैं हॉस्टल याद कर रहा हूँ, अपने रूम में चले अभी डिनर वगैरह करते हैं, और आपको देखो पब्लिक कितनी है इधर।